दाऊ जी ने यहाँ प्रलम्बासुर नाम का दैत्य था जो एक ग्वाल वाल के भेष बना करके ग्वालों में आकर के सम्मिलित हो गया। दाऊ जी ने यहाँ प्रलम्बासुर नाम का दैत्य था और दाऊ जी को। हरे कृष्णा। दर्शकों, जगह सामने धाम निर्मल लिखा हुआ है, एक कुआं है, इसका नाम है वेणुकूप। भगवान श्री कृष्ण ने वेणु बजाते हुए इस कूप का निर्माण किया है। इस कूप का बहुत सारे महत्व है, बहुत सारे मनोकामना पूर्णता है यहाँ आने से। जो भी आप प्रार्थना करेंगे, जो भी मानसिक रूप से सोचेंगे, वो आपका मनोकामना पूर्ण करती है। भक्ति के लिए अब हमारा उद्देश्य है भक्ति, प्रार्थना करना भगवान की भक्ति कर पाए, ताकि हम भगवान की भक्ति कर पाए। कोई भी मनोकामना इसमें पूर्ण होते हैं नहाने से, इस पानी से पवित्र तीर्थ है। आगे चले, बहुत सारे दर्शनार्थी आए हैं, लेकिन सामने श्री राधा कृष्ण विवाह मंडप है अंदर, हम तो घूम के जाएंगे। और मानसरोवर में मानसरोवर नहीं, वेणुकूप चलते हैं, ये देखेंगे क्या है। चोरी भगवान का नाम करते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। ये वो वट वृक्ष है जिसके नीचे ब्रह्मा जी ने भगवान कन्हैया की साथ राधा रानी का विवाह दिया था। इसी स्थान पर है जिसका शादी हुआ था, विवाह। विवाह पवित्र शब्द है। रास्ता है पहले से सुंदर बनाया है, इसका जो देखभाल करने वाला है ऑथराइज, बहुत सुंदर बनाए हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, तो आगे चलकर हम बताएंगे। यह भगवान श्री कृष्ण हैं, कई सारे दर्शनार्थी आए हैं, तो आगे ब्रह्मा जी बीच में बैठे हुए देखेंगे। देखिए, और राधा कृष्ण दोनों साइड पे बैठे हुए हैं, ब्रह्मा जी हैं दोनों साइड में, राधा कृष्ण हैं। इस प्रकार तो चलिए हम ब्रह्मा के लोगों का और दिखाते हैं। ये है पांडे वन का जो मेन सेंटर है, जो दर्शनीय स्थान है, यही है। तो आगे चलेंगे और आगे जहाँ भगवान बलराम है, बलराम भगवान बलराम का क्षेत्र है, उसका भी मंदिर है अंदर। चलिए हम चलते हैं। ये भगवान बलराम है, हमारे इसके बगल में पंडित जी बैठे हुए हैं, हम पंडित जी के श्रीमुख से कुछ सुनेंगे इसका महत्व। इससे पहले हम मंदिर पर एक बार परिक्रमा लगाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। दाऊ जी का भैया कृष्ण का नैया, कृष्ण का नैया, दाऊ जी का भैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण का नैया, हरे कृष्ण। जो चलिए हम उनसे पूछते, पंडित जी की श्रीमुख से इनके हम कुछ सुन लेते हैं, महात्मा महिमा श्रवण करेंगे इस धाम की। आप ये दाऊ जी का दर्शन कर रहे हैं, दाऊ जी ने यहाँ प्रलम्बासुर नाम का दैत्य था जो एक ग्वाल वाल के भेष बना करके ग्वालों में आकर के सम्मिलित हो गया। दाऊ जी ने यहाँ प्रलम्बासुर नाम का दैत्य था और दाऊ जी को अपने कंधे पर बिठा करके भागने लगा। दाऊ जी ने मुष्टिक प्रहार किया और उसके प्राणांत कर दिया। तो इस प्रकार दाऊ जी ने यहाँ प्रलम्बासुर नाम का दैत्य था, उसका उद्धार किया है। एक और लीला हुई है यहाँ कन्हैया जी ने, कन्हैया जी ने बच्छासुर नाम का था, एक बछड़े का रूप लेकर के गायों में आकर सम्मिलित हो गया था। तो बच्छासुर नाम के दैत्य का भगवान कन्हैया जी ने ही स्वयं आकर के उसका भी उद्धार किया है। तो सामने वेणुकूप का दर्शन है, उसमें समस्त तीर्थों का जल है, उसमें स्नान करने मात्र से आपको समस्त तीर्थों में फल प्राप्त हो जाता है। उसमें स्नान करते हो, उसमें एक और महत्व है,
कि जो उसमें स्नान करता है उसकी कोई भी इच्छा जागृति हो, कोई मनोकामना होती है तो भगवान ऐसी इच्छाएं को उसकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जिसको निसंतान, कोई संतान नहीं होती, अगर उस बेणीकूप में स्नान करे तो उसकी संतान की भी प्राप्ति हो जाती है। इधर भांडीरवट है, जहाँ भांडीरवट वो दिव्य स्थल है भांडीरवट, जहाँ भागवत जी में भी वर्णन आता है भांडीरवट का कि भगवान के समय पे भांडीरवट जो वृक्ष था वो 15 किलोमीटर के एरिया में था, वहीं राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से विवाह संस्कार पूर्ण किया है। एक भगवान ने भांडीरवन में अग्नि पान किया, दावनल अग्नि जो जंगल में आग लगी थी उसको भी भगवान ने पान किया है। और एक यहाँ भगवान ने गाल वालों के साथ में बैठकर के भोजन लीला का महत्व है, यहाँ भगवान ग्वाल वालों के साथ में आकर के झूठन खाया करते थे, एक दूसरे की भोजन लीला हुआ करती थी, यहाँ वो भी है। और एक लीला यहाँ राधा कृष्ण का मल्ल युद्ध हुआ, राधा रानी के साथ कन्हैया जी का मल्ल युद्ध भी हुआ है। एक यहाँ भांडीरवट के नीचे दुर्वासा मुनि ने तपस्या की है, ऐसे करके बहुत अन्य लीलाओं का स्मरण है। ये भांडीरवन बहुत दिव्य स्थली है, इस प्रकार से यहाँ राधा कृष्ण का ब्रह्मा जी ने विविध प्रकार से संपन्न किया है, अनेक नित्य लीला स्थली भांडीरवन है। बोलिए श्री राधा युगल सरकार की जय। आपका शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम शुभ नाम है दीक्षित, भुवनेश दीक्षित जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। धन्यवाद।